वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर. सो फर्स्ट पार्ट में हमने द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तक कर लिया था. अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम फूड एलर्जी को स्टडी करेंगे. अ फूड एलर्जी इज एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. इट इज कॉज्ड व्हेन द बॉडी मिस्टेक एन इंग्रेडिएंट इन फूड यूजुअली प्रोटीन एज हार्मफुल एंड क्रिएट अ डिफेंस सिस्टम एंटीबॉडीज टू फाइट इट. यानी फूड एलर्जी वो है कि जब हमारी बॉडी फूड यानी फूड में प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है यानी हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो उस फूड को अपना दुश्मन मिस्टेकनली उसे अपना दुश्मन समझ ले और उसके लिए अपनी जो सिपाही हैं उनको भेज दे कि इस पर हमला कर दे, फाइट इट, कि इसके खिलाफ इस पर जो कि है हमला कर दे. एलर्जिक रिएक्शन, ये जो हमारे आर्मी जो कि है वो फिर रिस्पॉन्सेज शो करते हैं. टू टाइप ऑफ की रिस्पॉन्सेज होती हैं इम्यून सिस्टम के. फर्स्ट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ई, ए, डी, जी. तो ये जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई विच सर्कुलेट विद इन द ब्लड स्ट्रीम. फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, रिस्पॉन्स ये होता है. सेकेंड रिस्पॉन्स इज द मस्ट सेल, अ सेल विच अकर्स इन बॉडी टिश्यू बट इज कॉमन इन साइट्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. एक नॉन एलर्जिक नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है. इसको हमारे पास यहाँ पर स्टडी करने का ये मकसद है कि मैनेजमेंट में फिर इसका रोल है. इंशाल्लाह जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है, अब हम सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं. सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी. फूड एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास ब्रेन पर क्या होता है कि हमें हेडेक होता है, फीवर होता है, इची आइज होती हैं और रेड वाटरी आइज होती हैं, लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें फील होता है, गट में क्या होता है नॉजिया एंड वोमिटिंग होती है, हार्ट पल्पिटेशन होती है, स्किन पर रैशेज एंड एक्जिमा होता है. ये तमाम जो कि है सिम्टम्स है फूड एलर्जी को. अगर आपको कोई फूड खाने के बाद ऐसे किस्म की एलर्जी सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो ये हमारे पास फूड एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन फूड एलर्जीज. टॉप 8 फूड एलर्जीज होती हैं जो कि कॉमन है मोस्ट कॉमन है. इसमें हमारे पास शेलफिश है, नट्स है, फिश है, एग्स है, पीनट्स है, मिल्क, वीट एंड सोया. दीज आर 8 वो फूड एलर्जीज हैं जो कि टॉप एलर्जीज हैं और ज़्यादा मोस्टली इन्हीं फूड से एलर्जी होती है. ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं फूड इंटॉलरेंस की तरफ. ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी में डिफ्रिशिएट नहीं कर सकते. तो फूड इंटॉलरेंस जो कि है ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्स है और फूड एलर्जी जो कि है वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स था. इट अकर्स व्हेन समथिंग इन फूड इरिटेट्स अ पर्सन डाइजेस्टिव सिस्टम और व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू प्रॉपरली डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द फूड. जब हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि है वो किसी फूड को या पार्ट ऑफ फूड को यानी सही से डाइजेस्ट ना कर सके, वो फूड हमारे बॉडी जो गट है उसको इरिटेट करे, तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं. ज़्यादातर जो मशहूर कॉमन जो फूड इंटॉलरेंस है वो हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है. और इसके हमारे पास जो सिम्टम्स हैं, देखिए ज़्यादा इसके सिम्टम्स जो कि हैं वो भी रिलेट कर रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जैसे कि ब्लॉटिंग हो गया, ब्लीचिंग के, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बैड ब्रीथ, कुछ लंग्स के साथ भी है, स्किन के साथ भी है जैसे कि इची और रैश स्किन हो गए, कुछ ब्रेन के साथ भी हो गया जैसे कि ब्रेन फॉग और हेडेक हो गया, मगर ज़्यादातर जो कि है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से ही उसकी सिम्टम्स रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि अब एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, एसिड रिफ्लेक्स और हार्टबर्न, इरिटेबिलिटी, ये नहीं तमाम चीज़ें जो कि हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेट कर रही हैं. ठीक, अब हम आ जाते हैं फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने, ताकि हमें आसानी से इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें. फूड एलर्जी जो कि है यूजुअली कम्स ऑन सडनली, जैसे ही हमने फूड खा लिया, ज़्यादातर मोस्टली नहीं ज़्यादातर ये हमारे पास सडन रिएक्शन शो होते हैं. और फूड इंटॉलरेंस की जो कि है ग्रेजुअली जो कि है इसकी जो सिम्टम्स है वो शो होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड कैन ट्रिगर फूड एलर्जी जो कि है, थोड़ा सा भी हमने खा लिया
तो वो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस को स्टार्ट करवा सकती है। और फूड इंटॉलरेंस में मे ओनली हैपन व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ द फूड, जब आप बहुत ज़्यादा वो फूड खा ले जिसको आपको इंटॉलरेंस है, आपका जो स्टमक है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो तब उसकी रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। फूड एलर्जी में हैपन्स एवरी टाइम यू ईट द फूड, हर दफ़ा होता है जब आप कोई खाना खाते हैं, यानी जो फूड जिस फूड से आप एलर्जिक है, जब भी वो आप खाएंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। जबकि इंटॉलरेंस की कंडीशन में मे ओनली हैपन इफ़ यू हीट इफ़ यू ईट द फूड ऑफन, यानी आप कभी कभी उस फूड को कभी कभी आपको वो रिएक्शंस शो हो सकते हैं। और फूड एलर्जी जो कि है कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। आगे आएगा कि इसके एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस होते हैं और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, सिवियर होते हैं बहुत ज़्यादा। और फूड इंटॉलरेंस जो कि है इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। तो अब हम आ जाते हैं हाउ टू मैनेज फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज अ फूड एलर्जी फूड इंटॉलरेंस इज़ टू, हमारे पास क्या है उसमें है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फूड एलर्जी है, अगर फूड एलर्जी है तो उसमें कौन सी टाइप ऑफ फूड एलर्जी है, फिर अगर ये फूड इंटॉलरेंस है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ एलर्जी टेस्ट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी शो कर रही है उन पर डिपेंड करते हैं। इफ़ यू डिवेलप सिम्टम्स क्विकली एंड IgE फूड एलर्जी, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था IgE, अगर आपके सिम्टम्स क्विकली शो हो रहे हैं तो आपको IgE फूड एलर्जी है, जिसके लिए आप ब्लड टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे। स्किन प्रिक टेस्ट ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपकी स्किन, जो हमने 8 कॉमन फूड्स पढ़े थे, फूड एलर्जेंस को आपकी बॉडी में इंजेस्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर आपकी स्किन ज़्यादा इरीटेट होगी, ज़्यादा रिएक्शन शो करेगी, तो पता चल जाता है कि आपको इस फूड से एलर्जी है। ठीक, अगर इफ़ यू आर सिम्टम्स डिवेलप ओवर आवर्स और डेज, तो आपको नॉन IgE क्या है, एलर्जी है, तो वो फिर क्या होगा कि वो फिर उसके टेस्ट वगैरह से नहीं, बल्कि उसके लिए हम क्या करते हैं, फूड एलिमिनेशन डाइट की तरफ जाते हैं। फूड एलिमिनेशन डाइट जो कि है इसके लिए ज़रूरी है। और फूड एलिमिनेशन डाइट की तरफ दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए तो आप उससे मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और डाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहते हैं। अगर पहली दफ़ा पेशेंट जो कि कंफ्यूज हो कि उसने क्या खाया था या डाइट की बातें, यानी ज़्यादातर उसका जो खाना था उससे याद ना हो, तो आप उसको नेक्स्ट विज़िट पे सजेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट विज़िट पे आएँ और अपने साथ एक डायरी, फूड डायरी बनाएँ और नोट द सिम्टम्स व्हेन कम ऑन नेक्स्ट विज़िट, और जो सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं वो आप नोट डाउन करें। तो इस तरह इजीली से फाइंड आउट हो जाता है कि पेशेंट को किस एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, या जो कि है कौन से उसकी रिएक्शंस, इंटॉलरेंस है, फूड एलर्जी है, या फिर यानी खाओ कौन सी एलर्जी है, किस तरह हम उसको मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, कौन सा फूड हम उसको, किस फूड से उसको एलर्जी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं फूड एलिमिनेशन डाइट की तरफ। फूड एलिमिनेशन डाइट जो कि है उसमें हम वही फूड उसकी डाइट से एलिमिनेट करते हैं जिसमें एलर्जन, ट्रिगर और ग्लूटन हो। एक्सक्लूस यानी एलिमिनेशन हो गया या अपनी डाइट से उस फूड को रिमूव करना जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अंडर सुपरविजन ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि बहुत से जैसे पास औकात हम फुल फूड ग्रुप जो कि हैं उसकी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि वीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो न्यूट्रिशन डिफिशेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि डेयरी हो गया, तो अगर डेयरी हमने उसके डाइट से निकाल दी तो वो कैल्शियम डेफिशिएंट हो सकते हैं। इस तरह वीट जो कि है उसमें भी बहुत से फाइबर होते हैं, बहुत से वाइटामिन बी कम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि तो ये अंडर सुपरविजन ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट इसलिए कि फिर वो वही और जो फूड है जिसकी सब्स्टिट्यूट हो वो उसके डाइट में ऐड कर सके, ताकि और कैल्शियम रिच हो और सोर्सेज से उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी का शिकार ना हो। ठीक है, अब इसके बाद है इफ़ यू हैव अ फूड एलर्जी यू विल नीड टू स्टॉप ईटिंग द फूड ऑल टुगेदर। आपको अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपने क्या करना है, जो जिस फूड से आपको एलर्जी है आप वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देंगे। जैसे कि अगर प्रोटीन से है तो वो फूड जिस प्रोटीन मिल्क से है तो मिल्क को आप स्टॉप कर देंगे। शेलफिश है या यानी एग है तो आप उसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देंगे। एंड अगर आपको नॉन IgE एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं
तो हमने पहले भी ये स्टडी कर लिया है कि आपको डाइट एलिमिनेशन डाइट पर डाल दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आप एलिमिनेशन डाइट पर डाल दिया जाता है वो फूड जिसमें एलर्जेंस हो वो हम एलिमिनेट कर देते हैं 2 to 6 वीक्स के लिए। और फिर जब उसके जो रिएक्शन सिम्टम्स जो के हैं वो यानी वही फूड रीइंट्रोड्यूस करवाते हैं आफ्टर 2 to 6 वीक्स। और फिर जब हम उसको वो रीइंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम चेक करते हैं कि अगर उस पेशेंट से उसको क्या रिएक्शन शो हो रहे हैं, तो हमें इस तरह से मालूम हो जाता है कि किस फूड से उसको कौन से सिम्टम्स जो कि हैं वो ज़ाहिर हो रहे थे, तो उसको कौन से फूड से एलर्जी है, तो वही फूड हम उसकी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अदर सोर्सेज से उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है और तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम या अवॉइड थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कम कर देते हैं अपनी डाइट, कट बैक है ना, यानी या थोड़ा सा कम कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि लैक्टोज फूड लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क की तरफ और टेक अ लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट। यानी हम मुकम्मल तौर पर मिल्क को नहीं हटा देते अपनी डाइट से, बल्कि या तो लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करते हैं या फिर लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट। यानी जैसे कि सीलिएक डिजीज़ जो कि है उसमें हम वीट इतना भी किसी को नहीं देते, कि सोया सॉस जो कि है उसमें बहुत कम वीट का ग्लूटेन का वो यूज़ होता है, वो भी वो पेशेंट जो कि है नहीं ले सकता। या किसी तवे वगैरह पे आपने रोटी बनाई हो और उसी पे लिए सीलिएक डिजीज़ पेशेंट के लिए कोई आप चिकन फ्राई कर रहे हो या कुछ, तो वो नहीं खा सकता वो, क्योंकि उसको छोटा छोटे छोटे जर्रे जो कहते हैं उससे भी वो एलर्जिक होता है। लेकिन इंटॉलरेंस केस में हम उनको लैक्टोज फ्री मिल्क की तरफ भी ले जा सकते हैं, लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि मैनेजमेंट के लिए कि आप फूड लेबल्स, अगर आपको फूड एलर्जी है तो फूड लेबल्स बहुत ज़रूरी है कि आप रीड करें, जो तमाम पैकेजेस होते हैं उनको रीड करें कि कौन सा फूड आया, वो फूड तो इसमें नहीं है जिससे आप एलर्जिक हैं। और बाज़ ऐसे फूड भी होती हैं जो जिनकी लेबलिंग नहीं हुई होती, यानी खुले, जैसे कि हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, कैफ़े वगैरह में जो होती हैं, रेस्टोरेंट्स में होती हैं, तो आप उनसे ओरली उनसे पूछेंगे कि इस फूड में क्या क्या आपने ऐड किया हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, या आप मुझे रिटर्नली दे दें कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, लेकिन आपके लिए पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वो फूड कंज्यूम कर लें और उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जिससे आप एलर्जिक हों। एपिनेफ्रिन जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, एड्रेनालिन जो कि एनाफिलैक्सिस जो लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होते हैं एलर्जी के, तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर्स जो कि हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि एक छोटी सी पेन टाइप होती है जो कि एनी टाइम उसके पास होती है, जब भी उसको इस तरह के रिएक्शन स्टार्ट हो तो वो उसी टाइम उसको लगा लेते हैं अपने आप को लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट था। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका थर्ड पार्ट जो कि है स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।